मित्रों, अपनी मेंस रिवीजन एंड आंसर राइटिंग सीरीज में जनरल स्टडीज पेपर वन उसके सिलेक्टेड टॉपिक्स देख लिए, पेपर टू के सिलेक्टेड टॉपिक्स देख लिए। अब सफ़र के आखिरी मतलब कि थर्ड मुकाम पे पहुंचते हैं। मुझे जो कुछ अगत्य के टॉपिक्स लगते हैं, एक तो ये दालों के दाम आसमान छू रहे हैं उस अनुसंधान में अरविंद सुब्रमण्यम का रिपोर्ट, जीनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड उसकी कॉन्ट्रोवर्सी, फिर ये बजट बनाने की प्रक्रिया में कुछ सुधार लाए गए हैं कि रेल बजट को जनरल के साथ मर्ज कर दिया, प्लान नॉन प्लान मर्ज कर दिया। आगे चल के ये बजट जो फेब्रुआरी के आखिरी हफ्ते में रखते थे उसके बदले कि 1 फेब्रुआरी को रखेंगे, ये एक सुधार की बात चल रही है। और भविष्य में ये अपना जो फाइनेंशियल ईयर है अप्रैल से मार्च तक का, उसको कुछ बदलने की बात चल रही है। सो दिस रिफॉर्म्स, उससे क्या फ़ायदे नुकसान हो सकते हैं और क्या चैलेंज आएगी? GST का प्रपोज फ्रेमवर्क, उससे क्या फ़ायदे नुकसान? एंड लास्टली, भारत के गरीब लोगों को यूनिवर्सल बेसिक इनकम ये देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? सो एक एक करके ये सारे टॉपिक्स देखेंगे। अपना फॉर्मेट वही रहेगा, आप एक कोरा कागज़ लीजिए और दोनों ही साइड एक एक इंच का मार्जिन बनाइए। स्क्रीन के ऊपर आपको प्रश्न दिखेगा, आप वीडियो पॉज करें, उसका जवाब लिखें, फिर वीडियो रिज्यूम करें, मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा और अंत में मॉडल आंसर उसकी चर्चा करूंगा। उस वक्त आप जो खुद का आंसर लिखा है मार्जिन पे उसका इवेल्युएशन खुद से कर लेना। दो प्रश्न है, पहला प्रश्न मुख्य परीक्षा पेपर 3 के लिए कि भारत के अंदर वाई आर वी अनेबल टू कंट्रोल द स्काई रॉकेटिंग प्राइजेस ऑफ पल्सिस और उसके लिए क्या क्या सुधार करने चाहिए, आप सुझाइए। पेपर 3 के लिए दूसरा प्रश्न, ये जीनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड क्या है समझाइए और क्या उसकी ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने DMH11 प्रकार की वेराइटी बनाई है, क्या भारत को में उसके लागू करें कि नहीं करें? सो पॉज द वीडियो, राइट द आंसर, कम बैक। वेलकम बैक दोस्तों, आई होप आपने जवाब लिखे हैं, एक एक करके टॉपिक पढ़ेंगे। एज सच बजट इकोनॉमिक सर्वे की प्रीलिम वाली लेक्चर सीरीज में मैंने ये पल्स कल्टीवेशन और बहुत सारी बातें पढ़ाई थी, लेकिन उसके बाद और नए डेवलपमेंट आए। UN जनरल असेंबली ने 2016 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सिस डिक्लेयर कर दिया। ये जो दालों के दाम आसमान में छू रहे हैं, तो अरविंद सुब्रमण्यम कमेटी बनाई गई, उसने अपना रिपोर्ट दिया है। और कुरुक्षेत्र ने तो नवंबर के अंदर पूरा एक अंक इसके नाम कर दिया। सो बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स, ये पेपर 3 में ये जो अपना इश्यूज रिलेटेड टू फार्म सब्सिडीज एंड फूड सिक्योरिटी, वहाँ पर थोड़ा तैयार करना पड़ेगा, देखते हैं। दाल के दाम आसमान छू रहे हैं हमको पता है, क्योंकि लोग यहाँ पर एक बड़ा तबका भारत का ऐसा है जो कि वेजिटेरियन पॉपुलेशन है और प्रोटीन के लिए वो दाल खाता है। तो मित्रों, फ्रांस के अंदर ये रानी थी मैरी एंटोनेट, उसने एक बार ये कहा था कि अच्छा, लोग ब्रेड नहीं मिल रही और झगड़ा कर रहे हैं, तो वो जाके केक क्यों नहीं खाते हैं? उसी प्रकार ये कुछ इंग्लिश न्यूज़पेपर के कॉलमनिस्ट, वो भी ऐसे ही टोन में बात करते हैं, अच्छा लोग वेजिटेरियन हैं और उन्हें प्रोटीन नहीं मिल रहा है, दालें महंगी इस कारण से, तो फिर वो मांस मछली जाके क्यों नहीं खाते? इसका भी जवाब सुब्रमण्यम की रिपोर्ट से मिल जाता है। सुब्रमण्यम ने दिखाया कि अगर आपको एक यूनिट प्रोटीन चाहिए तो उसके लिए कितनी दाल खानी पड़ेगी, कितना मांस खाना पड़ेगा, और प्राइस वाइज कंपैरिजन किया, एंड ही फाउंड कि भाई गरीब आदमी अगर दाल खाए, इट इज़ हाफ द प्राइस ऑफ मीट एंड 1/3 द प्राइस ऑफ मिल्क, उतना ही प्रोटीन उसको मिल जाएगा और उतना सस्ता भी पड़ेगा। देयरफॉर इन इंडिया पल्सिस आर अ सोर्स ऑफ प्रोटीन नॉट ओनली फॉर द वेजिटेरियन पीपल बट ऑल्सो फॉर द पुअर पीपल एज वेल। तो ये बात गलत है कि भाई मांस मछली खाओ वगैरह, गरीबों को भी अफोर्डेबल होना चाहिए। उसी अनुसंधान में हम पाते हैं कि ये दालों की मदद से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3, 10, 13 भी अकम्प्लिश होते हैं। गोल नंबर 3 क्या है कि भाई हेल्दी लिविंग, तो ये हाँ प्रोटीन का सोर्स है गरीब लोगों के लिए, वेजिटेरियन लोगों के लिए। UN जनरल असेंबली ये भी बोलती है कि भाई ये दाल खाने से डायबिटीज़, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, इनमें भी मदद मिलती है। गोल नंबर 10 है कि असमानता कम करनी है, हाँ होगी। देखिए, जिसके पास इरिगेटेड लैंड है, अच्छी फर्टाइल लैंड है, तो वो तो गेहूँ, चावल, शुगर केन कुछ भी उगा सकता है, लेकिन गरीब आदमी जो कहीं पर ड्राई लैंड है, रेनफेड एरिया है, वहाँ का किसान भी अगर पल्स दालों की खेती करे और उसे अच्छा दाम मिल जाए, तो वो भी धीरे धीरे पैसा बना के आगे बढ़ सकता है। सो इट विल हेल्प रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटी अमॉन्ग द फार्मर्स। और गोल नंबर 13, क्लाइमेट एक्शन, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। तो एक तो ये कि पल्सिस नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं, तो उतना फर्टिलाइजर आगे वाले क्रॉप में कम चाहिए होगा। ये लोग देखिए, प्रोटीन हमको खाना है, तो मीट इंडस्ट्री, मिल्क इंडस्ट्री, उसमें जितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है, क्योंकि जानवर भी घास खाएगा तो वो मीथेन वगैरह तो एमिट होता है, राइट? तो उसकी अपेक्षा में पल्सिस आर लेस GHG इंटेंसिव इंडस्ट्री, और वो पानी भी, ये शुगर केन, चावल, इनकी अपेक्षा ये लोग पानी भी कम मांगते हैं, फर्टिलाइजर भी कम मांगते हैं। सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स पल्सिस आर एनवायरमेंटली सस्टेनेबल।
तो ये जो अच्छी बातें हैं इसी को संज्ञान में लेते हुए यूएन जनरल असेंबली, उन्होंने 2016 को इट वॉज डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सिस। तो भारत के लिए ये तो और महत्वपूर्ण हो जाता है, बिकॉज पूरे विश्व का हार्डली 3% ऑफ लैंड वी हैव, हार्डली 5% ऑफ वाटर वी हैव, और इन्हीं कम संसाधनों में हमने पूरे विश्व की 18% पॉपुलेशन को सस्टेन भी करना है, और उसका एक बड़ा तबका जो कि गरीब है, वेजिटेरियन है, सो हाउ विल यू प्रोवाइड देम प्रोटीन, फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी? ऑब्वियसली दाल का ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ये ग्राफ के अंदर आप ब्लू लाइन को फॉलो करिए, पता चलेगा ये अपनी डोमेस्टिक पल्स प्रोडक्शन दिखा रहा है, लेकिन ये आप 2013, 14, 15 तक आएंगे तो देखिए कि कैसे वो ग्राफ नीचे डाउन जा रहा है, बिकॉज 2014, 2015 देवर अल नीनो ईयर्स, तो बारिश कम आई, सूखे का माहौल था, देयरफॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अपना कम हुआ था, बट उसके सामने जनता के लिए प्रोटीन का ये एक महत्वपूर्ण सोर्स है, तो ऑब्वियसली देर विल बी डिमांड, तो वो आप कैसे फुलफिल करेंगे? यू विल हैव टू इम्पोर्ट इट फ्रॉम एल्सवेयर। तो ये देखिए, ये रेड लाइन हमको दिखा रही है कि नेट इम्पोर्ट, जो इन दोनों के बीच का गैप में हमको समझ में आता है। सो लाइक दैट, क्योंकि सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो विश्व अपने डोमेस्टिक बाजार के अंदर दालों का दाम वो आसमान छूने लगे, दैट इज अपेक्षित है। भारत के अंदर ये दालों का सप्लाई डिमांड के सामने कम क्यों है? बजट इकोनॉमिक सर्वे की ये BES 164 Part 1 के अंदर मैंने इसके डिटेल में चर्चा की थी। ऑल इन ऑल द जिस्ट इज कि अपना एकदम बेहतरीन जो इरिगेटेड फर्टाइल लैंड है वहाँ पर किसान गेहूं, चावल, गन्ना उगाते हैं, क्योंकि उसका MSP ज़्यादा रहता है, जल्दी से प्रोक्योरमेंट हो जाता है। अपोजिट टू दैट, ये जो एकदम खोपचे में गरीब राज्य और उसका गरीब इलाका, रेन फेड, ड्राई फेड, एरिड रीजन, वहीं पर इसको उगाया जाता है। और आप देखिए 2014-15 देवर अल नीनो ईयर्स, तो बारिश वैसे भी कम हुई, तो सप्लाई ऑब्वियसली कम होना है। दूसरी बात, वी नो दैट दिस पल्सिस दे आर फिक्सिंग नाइट्रोजन इन द सॉइल, तो जमीन तो फलद्रुप फर्टाइल हो जाती है, तो साथ साथ वो वीड वो भी एकदम ताज़े होके उगना शुरू हो जाते हैं। नाउ दिस वीड्स दे विल कम्पीट फॉर द न्यूट्रिएंट्स, सनलाइट एंड वाटर, तो उसके चलते भी ये पल्स का पर हेक्टर यील्ड कम होने लगती है। अब क्योंकि पल्सिस के अंदर प्रोटीन होता है, तो जीव जंतु कीटक भी वो खा के अपने सलमान खान की तरह मसल बनाने के लिए आ जाते हैं। तो जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड अपना BT कॉटन है, अगर उसे कोई कीटक खाएगा तो पेट में जहर बन जाएगा एंड ही विल डाई, ऐसा यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि ऐसा कोई हाई यील्ड वेरायटी, जीनेटिकली मॉडिफाइड वेरायटी हमने अभी तक दालों के अंदर लागू नहीं की है, तो ये भी एक अपनी समस्या रही है। खैर, ऐसा जो भी अपना देसी प्रकार की दालों को उगा के जो भी उत्पादन किया, अब हमने उसको प्रोक्योर किया है, स्टोर किया है, अगेन क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन में ये रिच है, तो फंगल अटैक, बैक्टीरियल अटैक ज़्यादा हो जाता है, तो थोड़ा भी ह्यूमिडिटी हो, थोड़ी गर्मी, इस प्रकार के माहौल में ख़राब होना शुरू हो जाता है। अगर बहुत सारी बोरियां रखी हैं और बीच में एक बोरी के अंदर थोड़ा सा अनाज इस प्रकार से वहां पर फंगल अटैक हुआ, तो धीरे धीरे उसका तापमान बढ़ने लगता है, तो आजू बाजू के जो बाकी का अनाज है वहां पर भी ये जो हॉटस्पॉट क्रिएट हो गया, ह्यूमिडिटी, तो और खराब होने लगता है। सो वी फाइंड दैट जितना भी पल्सिस आर प्रोक्योर्ड, 25% ऑफ देम वो तो इसी कारण से लॉस हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सरकार को कुछ पता नहीं, वो भी अपने रूप से प्रयत्न करते हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड देख लो, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, फसल बीमा योजना, फिर ये ई नाम पोर्टल बनाया ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट के लिए, ऑनलाइन सेलिंग के लिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, तो वहाँ पर 50% फोकस तो ये केवल दालों के ऊपर ही दिया जा रहा है। तो ये सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ जो अपना दालों के दाम आसमान में छू रहे हैं उसके सामने कुछ कर नहीं पाए। तो सरकार ने फिर ये अरविंद सुब्रमण्यम कमेटी का गठन किया, और सुब्रमण्यम ने सबसे पहला बड़ा रिकमेंडेशन ये किया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो दाल के लिए बढ़ाने चाहिए। कारण हमने देखा, आप याद की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3, 10 और 13, तो वो क्या है, सारी पॉजिटिव सोशल एक्सटर्नालिटी जनरेट हो रही है बिकॉज ऑफ पल्स कल्टिवेशन। तो उस हिसाब से उसे संज्ञान में लेते हुए, जो हाल अभी तुअर की दाल पर क्विंटल 5,050 रुपये का दाम है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसे बढ़ा के सुब्रमण्यम ने बोला कि 7,000 कर दीजिए, ताकि किसान को मोटिवेशन रहे वो उगाने का। साथ ही साथ जो एकदम इरिगेटेड लैंड है वहाँ पर अगर किसान ये चावल या गन्ने की खेती बंद करके वहाँ पर अगर दाल का उत्पादन शुरू करता है, तो पर किलोग्राम उसने जितनी दाल उगाई उस हिसाब से उसे 10 से 15 रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इनाम के स्वरूप उसके बैंक अकाउंट में आप जमा करा दीजिए। ऐसा सजेशन देने के पहले के पीछे सुब्रमण्यम का कारण ये है कि जो पंजाब हरियाणा का बेस्ट इरिगेटेड फर्टाइल लैंड है वहाँ पर भी किसान ये इनाम और MSP की लालच में थोड़ा गेहूं और चावल से हटके अगर पल्स कल्टीवेशन शुरू करे, तो तुरंत ही हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाए और ये सप्लाई डिमांड मिसमैच को हम एड्रेस कर पाएँ।
अब स्वाभाविक है इस प्रकार से मिनिमम सपोर्ट प्राइस या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करेंगे, सो इन अ वे वी आर सेइंग कि भाई पैसा और देते रहना चाहिए। तो कुछ क्रिटिक्स इसका विरोध कर रहे हैं कि इससे तो महंगाई बढ़ जाएगी, वो चाहे कॉस्ट पुश प्रकार की हो या डिमांड पुल प्रकार की हो। कॉस्ट पुश कैसे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाया जाएगा तो फिर व्यापारी को भी अपना दाम बढ़ाना पड़ेगा, तो जो जो इनपुट का कॉस्ट अपना बढ़ गया तो बैक आगे चल के आपको महंगाई के स्वरूप में दिखेगा। डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा क्योंकि किसान के हाथ में ज़्यादा पैसा आ रहा है अंडर द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अंडर वो डायरेक्ट बेनिफिट इनाम के स्वरूप में अगर वो सिंचाई वाली जमीन पे इसकी खेती करे तो। अगर किसान के हाथ में ज़्यादा पैसा आ गया सो इट इज़ लाइक दीनदयाल सूटकेस ले लो योजना, वो जाके बाजार में ज़्यादा खरीदी करेगा एंड डिमांड उसके हाथ में पैसा ज़्यादा है तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन वो भी आ जाएगा। अरविंद सुब्रमण्यम ने बोला कि इट इज़ अनलाइकली ये एमएसपी से ऐसा कुछ हो जाए, उसकी मतलब कि बाजार में इतना जो दाम है उसके सामने हम तो सिर्फ एक करेक्शन ही करना चाह रहे हैं एमएसपी के अंदर। और जहाँ तक डिमांड पुल की बात है तो मित्र देखिए कि गन्ना किसान या गेहूं किसान उनका तो एक बड़ा प्रेशर ग्रुप वोट बैंक है और उनको राजी रखने के लिए हमेशा पॉलिटिशियन गेहूं और उन सबके तो सपोर्ट प्राइस उन्होंने बढ़िया रखे हैं, लेकिन ये दालों की खेती कौन करते हैं, गरीब किसान एकदम अरिड रीजन छोटे और मतलब कि एकदम गरीब टाइप के कहीं पे वो रहते हैं, तो उनका ऐसा कोई प्रेशर ग्रुप या वोट बैंक इतना जोरदार नहीं है कि उनको राजी रखने के लिए ऊपर से नेताओं ने नियमित रूप से पल्स के उत्तम एमएसपी रखे हैं। तो अगर हम उनको 2 पैसे ज़्यादा दे भी देते हैं तो इसमें क्या गलत बात है, तो एक ये एंगल बना। आगे क्योंकि हम ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और एमएसपी की बात कर रहे हैं तो एक प्रकार से ये क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट इज गोइंग टू प्रोवाइड सम सब्सिडी फॉर द कल्टिवेशन, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और उसका एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर AOA वहाँ पर ये प्रावधान थे कि फार्म सब्सिडी को कम करना चाहिए, और फार्म सब्सिडी को उन्होंने 3 भाग में विभाजित किया था, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स एंड ब्लू बॉक्स। तो अगेन क्रिटिक्स ये कहते हैं कि भाई ये अगर आप इस प्रकार से ठोकम ठोक DBT MSP दोगे देन इट विल बी एम्बर बॉक्स सब्सिडी के रूप में वो आ जाएगा और कोई जाके अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में फरियाद करेगा हमारी फजीहत हो जाएगी। सुब्रमण्यम डिफेंड करते हैं, पहली बात अल नीनो के प्रकोप के चलते भारत में अपनी पैदावार कम हुई है तो चीन और बाकी अफ्रीकन और ये जो नियर बाय कंट्रीज है वहाँ पर भी कमी हुई है, तो ऐसा नहीं है कि हमने अगर DBT MSP थोड़ा दे दिया तो इतना भरपूर उत्पादन हो जाएगा कि हम चाइना या कहीं जाके उसको डंप करना पड़ेगा। सो इट इज़ अनलाइकली कि कहीं किसी का लोकल बाजार खराब हो जाए और वो हमारे खिलाफ WTO में जाके फरियाद करे, बेतुकी बात है। सेकेंडली पिछले वर्षों में ऐसा रहता था कि जैसे ही ऑनियन शुगर केन किसी के अंदर भी महंगाई दिखे तो अचानक से सरकार उसके ऊपर अलग अलग एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा देती थी। अब WTO का नियम क्या है कि ये जो टैरिफ है नॉन टैरिफ टाइप के बैरियर्स को कम करना है, तो यहाँ पर सुब्रमण्यम ने उस प्रकार के बहुत सारे टेक्निकल सुझाव दिए हैं। सो इन अ वे वी आर कंप्लायंट विद द WTO ट्रीटीज, और जहाँ तक ये किसानों को थोड़ा पल्स के लिए पैसा देने की बात है तो वो हमारी जनता के लिए फूड सिक्योरिटी हो, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हो, उसके लिए हम ये सब कर रहे हैं। तो भारत ने ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट साइन करने से पहले जो पीस क्लॉज करवाया था उसके अंदर इन सभी चीज़ों के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए जो काम हो उन सब में हमको इम्यूनिटी मिली है, तो ये एम्बर बॉक्स वगैरह की बात आएगी नहीं। और बहुत खींच के भी लॉजिक लगाओ तो बिकॉज UNGA ने बोल दिया कि इंटरनेशनल ईयर है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3, 10, 13 वो सब अकम्प्लिश हो रहा है, सो इट इज़ अ ग्रीन बॉक्स सब्सिडी और वो WTO का कोई भी नियम उससे वायलेट नहीं हो रहा है। अरविंद सुब्रमण्यम ये भी कहते हैं कि MSP DBT ये सब भी देना चाहिए और किसानों को जीनेटिकली मॉडिफाइड पल्सिस इसका भी उत्पादन करें तो बेहतर रहेगा। जीनेटिक बेस ऑफ पल्सिस इज़ वेरी स्मॉल नैरो, तो ऐसा नहीं है कि हम भारत के चने का अमेरिकन चने के साथ कुछ हाइब्रिड कर दें तो जो नई प्रजाति बन के आएगी उसका एकदम जोरदार यील्ड होगा या फिर कि वो पेस्ट रेजिस्टेंस होगा। जो ट्रेडिशनल देसी हाइब्रिड पद्धति है उससे ये संभव नहीं, तो हमें उसके जीन को ही मॉडिफाई करना पड़ेगा। जीनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का म्यांमार में यूज़ होता है, देयरफॉर उनका पल्सिस का पर हेक्टर यील्ड भारत से दुगना है, तो भारत में भी ये लागू करने की ज़रूरत है और वी आर ऑलमोस्ट रेडी बिकॉज आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उन्होंने जीनेटिकली मॉडिफाइड चना और अरहर इनका फील्ड ट्रायल भी चालू कर दिया और पॉजिटिव रिजल्ट भी मिला है कि उसके चलते ये पॉड बियर ईयर इंसेक्ट और दूसरे सब प्रजातियों से उसे बचा सकते हैं। जैसे कि BT कॉटन में होता है कि ये जीव जंतु कीटक उसे खाएगा, पेट में जहर हो जाएगा, मर जाएगा, सेम विल हैपन हियर एंड आवर यील्ड विल इम्प्रूव। अब स्वाभाविक है ऐसा कुछ भी बोला GM क्रॉप मतलब हिंदू की दुखती नस, तो वो तुरंत ही उसका ऑपोजिशन उन्होंने चालू कर दिया है। खैर तो इस प्रकार से GM क्रॉप परमिट किया, ढेर सारा MSP DBT ये सब कुछ हम देंगे तो उत्पादन भी बहुत सारा होगा।
अब उसे प्रोक्योर करने के लिए अरविंद सुब्रमण्यम कहते हैं कि देर शुड बी अ सेपरेट एजेंसी और वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बनानी चाहिए, जिसके अंदर सरकार का कुछ पैसा हो, सरकारी निगमों का कुछ पैसा हो और प्राइवेट किसी एंटरप्रेन्योर प्लेयर का कुछ पैसा हो। इस प्रकार से पैसा जमा करके आप एक स्पेशल पर्पज़ व्हीकल प्रकार की कंपनी बनाइए एंड दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोक्योरमेंट स्टॉक डिस्पोजल ऑफ पल्सिस। और यहाँ पर सफलता मिलने के बाद आगे चल के फ्रूट और वेजिटेबल में भी हम ये करेंगे ताकि वहाँ पर भी महंगाई को काबू में रख सकें। अब स्वाभाविक है अगेन द हिंदू और इस प्रकार के लोगों को मज़ा नहीं आएगा कि ऐसा क्यों करना है, बेटर कि FCI वगैरह को क्यों रिफॉर्म नहीं कर रहे हैं। सुब्रमण्यम कारण देते हैं, देखिए याद करो नरसिम्हा राव ने सरकारी बैंकों, उनको पता था कि वो तो खड्डे में गई है, लेकिन ये लेबर यूनियन ट्रेड यूनियन के चलते उसका हम प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, बेटर वी अलाउ प्राइवेट बैंक्स ताकि कॉम्पिटिशन बढ़े और बढ़िया बढ़िया काम हो। सेम यहाँ पर भी FCI तो वो किस भावना से स्थापित किया गया था कि ये वीट एंड राइस इनका प्रोक्योरमेंट करके फूड सिक्योरिटी वगैरह को देखना है, तो एज सच जो पल्स हमने देखा कि वो जल्दी जल्दी ख़राब हो जाते हैं तो उनका पूरा लॉजिस्टिकल मैनेजमेंट वो दाल चावल से अलग रहता है, जल्दी से फटोफट करना पड़ता है, फंगल अटैक ना हो जाए, हॉटस्पॉट निर्माण ना हो जाए वगैरह वगैरह ध्यान रखना पड़ेगा। सो इट रिक्वायर्स डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल सेट जो FCI के पास नहीं है। और दूसरा, अगर कोई प्राइवेट एजेंसी बन भी गई सो बेटर, इससे तो कॉम्पिटिशन प्रमोट होगा और जितने जिलों को FCI ने कवर किया है उसके अलावा वाले जो भी जिले हैं वहाँ पर ये प्राइवेट एजेंसी वाले जाके प्रोक्योरमेंट करें, राइट, तो किसानों को भी जल्दी जल्दी उनका माल उठाने में मदद मिलेगी, सो इट विल बेनिफिट। और आगे चल के जब तुअर और उड़द दाल के दाम थोड़े कम हो जाए तो सरकार ने लाखों टन का उसका बफर स्टॉक भी बना लेना चाहिए ताकि भविष्य में उसको रिलीज किया जा सके। सो दीज आर सम ऑफ हिज रिकमेंडेशन रिगार्डिंग प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। भारत के अंदर एक एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है जिसके अंतर्गत ये सीरियल, पल्स, ऑयल सीड, इन सब की कालाबाजारी होर्डिंग रोकने के लिए राज्य सरकारों को सत्ता दी गई है। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यापारी के पास 1000 किलो चावल हैं और बाजार में उसका दाम बढ़ रहा है सरकार को लगता है, तो वो स्टॉक लिमिट प्रिस्क्राइब कर सकती है कि कोई भी व्यापारी 500 किलो से ज़्यादा चावल नहीं रख सकता, तो ऑब्वियसली उसने जो 1000 किलो है उसमें से सारा आधा माल बाजार के अंदर छोड़ देना पड़ेगा बेचने के लिए, सो लाइक दैट इट कैन फाइट अगेंस्ट द होर्डिंग। बट सुब्रमण्यम ने पाया कि ये राज्य सरकार वाले एकदम बेतुके प्रकार के, थोड़ी भी महंगाई बढ़ जाए तो बेतुके प्रकार के स्टॉक लिमिट प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि 1000 नहीं, सिर्फ 200 किलो का स्टॉक होना चाहिए, बाकी का बाजार में बेचने निकालो। तो जो बड़े व्यापारी हैं, बड़े फूड कंपनी वाले हैं, उनको इससे नुकसान लगता है कि ये थोड़ा तो मुनाफा कुछ होना चाहिए, सो दे आर नॉट इम्प्रूविंग देयर गोडाउन एंड स्टोरेज कैपेसिटी। हमेशा डर लगता है कि भाई प्रिस्क्राइब में कुछ कम कर देंगे। एंड ऑपोजिट टू दैट, छोटे व्यापारी तो वैसे भी इस एक्ट से बच जाते हैं, ये दिखा के कि हमारे गोडाउन में कुछ है नहीं, सारा माल तो किसान के पास अभी पड़ा है। तो ये स्टॉक लिमिट वाला जो पूरा इशू है उसे एड्रेस करने के लिए वी हैव टू रिफॉर्म एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। इसी प्रकार मित्रों, APMC कानून में आपको पता होगा कि प्राइवेट कंपनी वाला किसान के फार्म गेट से सीधा कोई भी चीज़ नहीं खरीद सकता, सारा जो भी उत्पाद है वो पहले APMC की मंडी में आएगा, वहाँ वो दलालों के मार्फत जाके फिर वो बिकेगा। तो सुब्रमण्यम ने ये बोला कि APMC कानून के लिस्ट में से ये पल्स का नाम हटा दो ताकि वो प्राइवेट कंपनी वाले, ये वॉलमार्ट और जो भी ऐसे सुपर मार्केट चेन वाले हैं, वो सीधे जाके किसान के फार्म गेट से ही सभी दालों को खरीद ले और उसे बाजार में बेचे तो दाम थोड़ा कम आ जाए, बिकॉज ये बीच में जो बिचौलिए दलाल जीवन टाइप के लोग जो APMC मंडी में बैठते हैं उनका कमीशन वाला पूरा एंगल चला जाए। तो मतलब एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट और APMC कानून में भी सुधार की आवश्यकता है। खैर, इतना माल अपने लिए पर्याप्त है इसे जवाब बनाते हैं। प्रश्न था कि भाई दाल के दाम में ये क्यों आसमान छू रहे हैं और क्या दवाई करनी चाहिए। इंट्रोडक्शन क्या व्याख्या तो कर नहीं सकते, तो ओरिजिन डेटा ऐसा कुछ देंगे, फिर पहले पैराग्राफ के अंदर कि क्यों ये महंगाई बढ़ रही है, दूसरे पैराग्राफ में कि दवाइयाँ क्या होनी चाहिए, एंड कंक्लूजन, तो एक प्रकार से समरी कि ये करना चाहिए, वी विल ट्राई टू एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट। सबसे पहले ये जवाब उसका इंट्रोडक्शन तो ओरिजिन प्रकार का हो सकता है, व्याख्या तो क्या करेंगे। ओरिजिन ऐसे दिखा सकते हैं कि भाई हरित क्रांति के वक्त हमने फूड सिक्योरिटी के लिए गेहूं, चावल एंड सीरियल क्रॉप्स, वहाँ पर तो हमने सफलता हासिल कर ली, लेकिन दालों के उत्पादन में हम ये नहीं कर पाए, बिकॉज ऐसा करके फिर आप बॉडी पैराग्राफ 1 या बुलेट पॉइंट 1, 2, 3 पर करके आप ये समस्याओं का वर्णन कर सकते हैं, एक ये तरीका। या दूसरा तरीका ओरिजिन दिखाने के लिए, आप याद करो लेदर इंडस्ट्री में हमने जवाब बनाया था कि सिंस द टाइम इमेमोरियल वी आर यूजिंग लेदर फॉर इट्स फंक्शनल एंड एस्थेटिक प्रॉपर्टीज, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी बना सकते हैं कि सिंस द टाइम इमेमोरियल ये हमारी डाइट का हिस्सा है, चाहे वो दाल चावल हो, सांभार, दाल बाटी, छोला भटूरा, ढोकला, कुछ भी,
दे हैव बीन अ चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर आवर पुअर एंड वेजिटेरियन पॉपुलेशन। फिर बॉडी के अंदर की क्यों इसका दाम बढ़ रहा है और क्यों उसमें क्या क्या दवाई करनी चाहिए, आई हैव गिवन यू सफिशियंट पॉइंट्स, आप राइट कर सकते हो। अंत में सीधा कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन क्या करेंगे, एक प्रकार से समरी एंड पॉजिटिव नोट पे एंड करेंगे कि हाँ इंडीड द सर्ज इन द पल्स प्राइस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न बिकॉज ऑफ स्पेशली फॉर द पुअर एंड वेजिटेरियन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, राइट। पर साथ ही साथ हम ये कर सकते हैं, इसको दवाई कर सकते हैं बिकॉज वी हैव अ डाइवर्स एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स और बहुत सारे हमारा फार्मर्स भी हैं, सो वी कैन बिकम सेल्फ रिलायंट इन द पल्स प्रोडक्शन प्रोवाइडेड कि ये जो खामियां हैं इन द कल्टिवेशन प्रोक्योरमेंट सेल दे आर एड्रेस्ड एट द अर्लीस्ट। क्या खामियां और क्या दवाइयाँ थी उसकी समरी आ गई। कल्टिवेशन तो वहाँ पर की जीएम क्रॉप को आप परमिट करो, इरिगेटेड लैंड के अंदर इसका उगाई चालू हो उसके लिए आप किसान के खाते में 10-15 रुपये पर किलो इनाम दे दो, राइट। प्रोक्योरमेंट तो वहाँ पर MSP बढ़ाना चाहिए, फिर एक अलग से नई PPP संस्था आप शुरू कर दीजिए, और सेल के अंदर तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट और APMC के अंदर जो जो सुधार हैं। सो लाइक दैट इफ दिस थिंग्स आर एड्रेस देन एट अर्लीस्ट हम ये दालों के दाम जो आसमान छू रहे हैं उसको लड़ सकते हैं। उसके बाद अपना दूसरा प्रश्न था कि GM मस्टर्ड क्या है और उसकी ये DMH वैरायटी भारत के अंदर लागू करनी चाहिए कि नहीं।